तो क्यों हम ये कह रहे हैं कि कल से सरदार के सपनों का कश्मीर होगा, क्यों कल से कश्मीर की बदली हुई तस्वीर दिखाई देगी, आपको बताते हैं। सबसे पहले आप 30 सेकंड में खबर समझें। तो कल से देश में दो नए केंद्र शासित प्रदेश जुड़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कल से भारतीय कानून लागू हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने विपक्ष के नाजी आरोप पर हैरानी जताई है। कांग्रेस ने प्रहार किया है मोदी सरकार पर, ये कहते हुए कि विदेशी प्रतिनिधिमंडल कश्मीर बुलाकर मोदी सरकार ने अक्षम्य अपराध किया है, बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि यूरोपियन यूनियन के सांसदों के दौरे से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा दरअसल फेल हो गया है। तो सवाल यह है कि जब यूरोपीय यूनियन के सांसद कश्मीर पर भारत की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमारा विपक्ष गुस्से में? बल्कि विपक्ष को तो खुश होना चाहिए कि भारत के हक की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार ने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो वैसे ही नाजी विचारधारा वालों का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण किसने किया था, ये इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। जम्मू कश्मीर पर भारत अटल था और रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का कोई भी सदस्य कश्मीर पर भारत के इस एक सूत्र वाक्य को भूल गया है तो दोबारा याद कर ले, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने कश्मीर के दौरे के बाद भारत की तारीफ की है, भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और शांत देश बताया और कहा कि कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। यूरोपियन यूनियन सांसदों ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोल कर रख दी, कश्मीर में फैले आतंकवाद की निंदा की। लेकिन सवाल यह है कि यूरोपियन यूनियन सांसदों के कश्मीर दर्शन में विपक्ष नाजीवादी एंगल क्यों ढूंढ रहा है? हिटलर भी तो इलेक्शन जीत कर आया था, उसके बाद उसने कितने 10 लाख ज्यादा यहूदियों गैस चैम्बर में डाल दिए, तो वो भी जीत के आए, उसमें कौन इनकार कर रहा है। मगर इनकी नाजी आइडियोलॉजी से वाबस्ता है, हिटलर के आशिक हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई भी डेलीगेशन आ सकता है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की जनता बहुत खुश है, हर जगह नॉर्मलसी है, अमन है, भाईचारा है। अगर कोई कहीं समस्या है, प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। कांग्रेस ने सरकार पर प्रहार किया, यूरोपियन यूनियन के कश्मीर दर्शन को कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण बता दिया कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है तथा हम इस बारे किसी तीसरे पक्ष, समूह, संस्था या व्यक्ति की दखलअंदाजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 3 दिनों में इस नीति को पलटकर मोदी सरकार ने एक अक्षम्य अपराध किया है। डिफीट के डिप्रेशन में इतना भी लोग जो है अपना होश नहीं खोना चाहिए लोगों को कि वो जो है वो राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए मुद्दे पर भी सियासत करना शुरू कर दें। रोने का रोग है इन लोगों को, तो रोने के रोग का इलाज तो इन्हें खुद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और इलाज कर नहीं सकता। विपक्ष के नाजीवादी आरोपों पर यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने भी हैरानी जताई। When I read in some newspaper or yesterday on TV that we can be Nazi or I don't know why, it's very strange for me. If you watch my past, I won't be elected 14 times in different function if I were like that. सवाल यह है कि कांग्रेस को दिक्कत किस बात की है? कहीं कांग्रेस पाकिस्तान के दुष्प्रचार वाले ट्रैप में तो नहीं फंस रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में किसी भी हद तक चली जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।